हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह मैं 9 बजे से पहले ही उठ गई आज, क्योंकि आज व्लॉग आना था मेरा, जो कि मैंने टाइम चेंज कर दिया व्लॉग का, कि मेरा व्लॉग डेली अब 9 बजे आ जाएगा, क्योंकि गर्मी आ गई है। और मेरे पास जैसे कमेंट आते थे कि हमें बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत वेट करना पड़ता है, तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी का टाइम डालती हूँ। तो बाकी आप सब कमेंट करके बताना कि 9 बजे का टाइम सही है या फिर मैं टाइम चेंज करूँ। मुझे सही लगा, शायद इस टाइम तक सब फ्री हो जाते होंगे काम करके। मैं उठ गई थी, उसके बाद फिर लियो को लेके आई हूँ मैं बाहर। सबसे पहला काम यही होता है, चाहे मैं उठूँ, चाहे मोहित उठे, चाहे मिज्जू उठे, इसको सबसे पहले लेके बाहर खेल रही हूँ मैं, क्योंकि इसको सुसू मोटी जो भी करना होता है। एंड आज का डे मेरा फुल बिजी रहने वाला है, क्योंकि आज मुझे करनी है पैकिंग, एंड उसके बाद मेरे को मार्केट भी जाना है। वैसे तो मैंने मोस्टली शॉपिंग कर ली थी मोहित भाई के ब्लॉग में, आप देखना, जिसने अभी तक नहीं देखा है देख लेना। और एक दो चीज़ मुझे रहता है कि रह गई है, छोटी छोटी चीज़ें, वो लेती आऊँगी। प्लस मेरा मन कर रहा है मेहंदी लगवाने का, तो शायद अगर कोई मिला मार्केट में। इधर मैंने चढ़ा दी दाल, आटा बना दिया है। इधर अभी मैं जो छोंक के लिए कट करूँगी सारी चीज़ें। दाल रेडी हो गई, रोटी बना के रख दी, और टेंटन है, किचन भी चमका दिया, सब काम फिनिश। अब जो है काम बचता है सिर्फ मेरा अंदर जाने का, नहाने का। बट अमित जी शायद सुबह ही आई है, मैं तो सो गई थी। ये आए हैं सुबह मेरे ख्याल से 4-5 बजे, आँख खुली थी बट मैं नींद में थी, मैं उठी नहीं, मतलब सो गई। तो वो भी सो रहे, अंदर भी जा नहीं सकती, वो जब उठेंगे उसके बाद अंदर जाऊंगी, फिर पैकिंग करूंगी, फिर दिखाऊंगी। खाना बना लिया, पूरे घर की सफाई हो गई, नच बुला के सफाई भी कर गई है। मौसम आज बहुत अच्छा है, धूप नहीं है आज। कैसा लग रहा है मोहित? बढ़िया लग रहा है, सूट तो बढ़िया लग रहा है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज मुझे भी बहुत पसंद आया, काफ़ी कंफर्टेबल सूट है, मुझे कुछ भी नहीं कराना पड़ा। स्टिच मिला था साइज़ के, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, स्मॉल आएगा, मीडियम आएगा, या लार्ज आएगा, एक्स्ट्रा लार्ज आएगा। मुझे स्मॉल भी आ जाता है, मीडियम भी आ जाता है, तो मैंने ये मीडियम मंगवाया। मुझे हल्की सी स्टिचिंग करानी पड़ी, दैट्स इट। और ये देखिए इसके नीचे ये पजामी है। वैसे अगर आपके पास रेड कलर का, अगर मान लो प्लाजो है, तो वो भी डाल सकते हो, मतलब सब कुछ अच्छा लगेगा, खुले वाला भी डाल सकते हो। बट जो इसके साथ आया है, ये प्लेन चुन्नी आई है, ये लेगिंग आई है, और ये सूट है। ये देखिए कितना अच्छा सूट लग रहा है। तो ये मुझे रिसीव हुआ था हिमानी कलेक्शन से, जहाँ से मुझे ब्लैक वाली साड़ी भी रिसीव हुई थी। बहुत ही ट्रस्टेबल पेज है, आप वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। पेज का नाम मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, बाकी और कुछ डिटेल चाहिए तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। और अभी मैं हो गई हूँ नहा के रेडी, अमित जी भी उठ गए थे, मौसम बहुत सुहावना है, तो शायद मैं और मोहित दिन में भी जा सकते हैं शॉपिंग के लिए, या फिर शाम को जाए, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, देखते हैं। और अभी लगी है भूख, जो मैंने बनाई थी सिंपल दाल रोटी, वो खाएँगे, और फिर उसके बाद शायद या अब पैकिंग करूँगी या मार्केट जाऊँगी, कंफ्यूजन में हूँ। तो पहले खाना खा लेते हैं। निकल लिए शॉपिंग तो नहीं, मेन तो मुझे मेहंदी का बड़ा मन कर रहा है लगवाने का, मेहंदी लगवा लूँगी, और सनस्क्रीन लेनी है मुझे, और एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो लेनी है, शायद बाथरूम स्लीपर, दैट्स इट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेदर देखो कितना अच्छा आज, वाव वाला है, बिल्कुल हवा चल रही है बढ़िया वाली, काफ़ी टाइम बाद, नहीं तो बहुत तेज़ धूप होने लगी थी। और आज मैचिंग रेड गाड़ी, रेड सूट, ये पहले चप्पल की शॉप पे गए थे बट मुझे पसंद नहीं आई, तो वाइपर टूटा हुआ है, नचबुल ने मेरे को 2-3 बार बोल दिया, मैं भूल गई, वाइपर ले लिया। मोहित ने ये ड्यूली है, मार्केट पहुँच गए थे, हाउस वाइफ होने के बाद कितने चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बताओ, वाइपर भी खरीद कर। मेन चप्पल लेनी थी वो तो मिली नहीं, पर उसके अलावा और सारी चीज़ें ले ली, और अभी लगवा रही हूँ मेहंदी, डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे हैं,
तो जी मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है, देखते हैं भैया कैसी कार्रवाई करेंगे। कह तो रहे हैं बहुत अच्छी लगाएंगे, लेट्स सी। ये देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। मौसम बहुत ख़राब हो गया देख सकते हो आप, और यहाँ मेहंदी लग चुकी है हाथों में। मेहंदी लगी किस नाम की, एनिवर्सरी के नाम की। ये भैया भी इंस्टाग्राम रील बनाते हैं तो कह रहे हैं स्वामित को कि मुझे फॉलो कर लो। मैंने अकाउंट निकाल के दिखा, ये पैर में लगवा रही है, मैं मना कर रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है, मेरे को मेहंदी इतनी ज़्यादा पसंद है और उल्टा है, अमित जी को बिल्कुल पसंद नहीं है मेहंदी। उनको स्मेल से, इसकी जो स्मेल होती है ना, मुझे तो ये अच्छी लगती है। और अभी निकले हैं हम, कितनी देर के आए हुए हैं, तब मैं बोल रही कि थोड़ा बहुत कुछ लेना है और फिर उसके बाद निकल जाएंगे। वो थोड़ा बहुत जाके अब कम्प्लीट हुआ है, पूरी मार्केट लगने लग गई थी तब, मेहंदी भी सूख गई ऑलमोस्ट, अभी तो बस उतरने ही वाली है। और लगे हाथ में अपना चूड़ा भी ले आई, और क्या लेके आई, चप्पल नहीं रहेगी यार, बस चप्पल ही पसंद, मेरे को नहीं समझ आई चप्पल रहेगी। और तो बस ऑलमोस्ट जो सोचा था होगा, अमित जी के लिए कुछ लिया है, कुछ स्पेशल शायद उनको पसंद आए, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा कि मैंने क्या लिया उनके। मैंने करे हाँ के कपड़े चेंज, बालों पर तो भाई हाथ भी नहीं लगा, जैसे थे वैसे ही है, कपड़े चेंज कर लिए। अमित जी कर रहे हैं अपनी पैकिंग, तो मैं दिखाती हूँ आपको उनकी पैकिंग। हाँ, आज तो पैकिंग हाँ लड़के, पैकिंग। मेरे को ना इतनी तेज की भूख लगी हुई थी, मैंने अमित जी को बोला कुछ बना दो, क्योंकि मेरे को पानी में हाथ नहीं डालना है, और कुछ कट भी करती तो मैंने ऑयल लगा रखा हाथ पे, तो बनाने की बजाय जनाब ने ऑर्डर किए समोसे, वो छोले वाले, और अलग से भी मोहित के फेवरेट है, वो सो रहा, उसको उठाने जा रही है। बेटे है राजी हो जाएंगे, समोसे छोले वाले अलग, चटनी वाले अलग, आ जाता उड़ा दे उन्हें, क्या चाल दे, क्यों भी उठाना है तेने। उठा ले बेटा मामा को, उठा ले इसको। तो आज अमित जी सर्व करके दे रहे हैं, मैंने बोला था ना छोला प्याज, ये स्पेशली इन्होंने अभी फ्रेश प्याज काटी है मेरी डार्लिंग ने। और ये तीन वैसे वाले हैं जो चटनी के साथ खाने वाले, इसमें भी है। और ये बिट्टू ऐसे देख ला, मेरे को कब मिलेगा बेटा, आपका खाना नहीं है ये मम्मा का खाना है, आपका भिगो रखा है, ठीक है, ओके लियो, ओके मेरे बेटू। अमित जी ना अभी जस्ट बाहर से आए हैं, और आते के साथ लियो ड्रामे देख लो, जस्ट अभी मतलब आगे बैठे ही हैं, सबसे पहले तो नीचे बैठ के बैठने ही नहीं दिया। हाँ ये लियो का फेवरेट काम है, लाड कर ले लियो, थोड़ा लाड कर ले बस, बस, लाड बस कर ले। कपड़े नहीं हमारे पास में, कोई नया नहीं आ रहा ना आजकल, कपड़े है ही नहीं, मतलब ना नहीं आ रहे आजकल। और एक ये हो जाएगा, इसके नीचे मान लो ये वाली निक्कर हो गई है ना, ये दो पूरी ड्रेस हो गई, फिर पेंट तो मैं निकाल के लाई नहीं अभी, मान ली ये शर्ट है, इस शर्ट के नीचे मैंने एक जींस लेके आती हूँ, ये तो कौन से पहनेगा लियो, टोटली कंफ्यूज हो रहा है। ये पहनना है रात को, सोमवार की रात को, स्वामित की ये चिढ़ा रहे हैं, मंगलवार की रात को, ठीक है, देख लिया, इसको भी पसंद नहीं आ रहा यार। कम पड़ रहे हैं ना इसलिए, गाइस कपड़े पूरे नहीं हो रहे, मतलब कितने 21 या 31 कितने होने चाहिए, 12 जोड़ी सगुन के तौर पे 41 जोड़ी होने चाहिए। देख जान के देख, यो पैरेस आगा दोपहर में, हाँ ठीक है, यो पैरेस आगा शाम के टाइम में, आगे समझते रहे, ये तेरे यो वापिस आऊंगा उस दिन पैरेस आगा एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट क्योंकि इस पे इसमें गर्मी नहीं लगेगी। यो भी जमाई ले
जमाई लेगा माता दे उठू करे आप शॉपिंग करांगा जाऊंगा वहीं से एक जोड़ी पैर के चलांगा और आते जहाँ चलेंगे वहीं से मिलेंगे नहीं तो गाइज ये सारे कपड़े हैं जो अभी पैक करने हैं और अमित जी के ये इधर रखे हुए हैं बट अभी इन्होंने अभी गाइज 3 दिन के हिसाब से बचे हुए अभी क्या नहीं रहे तो वो वहाँ जाके खरीदूंगी ना है ना बेटा लियो बताओ बताओ वहाँ थोड़े नए मिल जाएंगे ना हाँ पीस तू लाग गए पीस ओए मेरे पोड़ दिया टॉप है सो ये देखो ये सिर्फ मेरे कपड़ों का बैग है और ये फुल हो गया है और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद एक और बैग होना चाहिए पर ये मना कर रहे हैं कि ज़्यादा नहीं वहाँ खरीद लेना सिर्फ दो जोड़ी एक जोड़ी शूज़ है एक जोड़ी चप्पल है सिर्फ दो जोड़ी चप्पल ली है एक बाथरूम रखूँगी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं से ले लूँ क्योंकि फिर इनकी अलग से अटैच है उसमें डालूँगी ये तो सिर्फ वाह मोहित लेके आया थक गए थे पैकिंग करते करते इसलिए अच्छा मेरे लिए रहने दो खुद का मोहित भाई बताइए किसके लिए लेके आया अपने लिए चीयर्स लियो को भी करा दे चीयर्स देख कैसे देख रहा है बंदर मेरा तो देखा कैसे होती है पैकिंग इन तीनों को बिठाया सलाह ली कैसे क्या करूं क्या नहीं और मेहंदी मेरी उतर गई अभी ऐसे हुई है सुबह देखते हैं कैसा कलर आएगा मुझे अभी शौक नहीं बिठाया चेयर पे और लियो तो मैं लेके आया था लियो को तो देख लो एक बार इसके एक्सप्रेशन इसको पता है क्या लग रहा है कि कुछ तो बात हो रही है जो मेरी समझ से बाहर है या तो कहीं जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं लेट के नहीं पीते बैठ जाओ चुपचाप से लियो के साथ खेल रहे हैं दोनों के दोनों इस बेचारे की रेल बना रखे पति तो गाइज गाइज पैकिंग हो चुकी है बट कपड़े फिर भी कम पड़ रहे हैं गाइस सुन लो आप ये बात चार दिन के ही कपड़े मिले हमें हाँ गाइस तो हम कोशिश करेंगे कल कुछ मिल जाए रेलवे स्टेशन पे कुछ नया मिल जाए कोशिश करेंगे रेलवे स्टेशन थोड़ी जाएंगे हम लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे हम रेल से ही तो जा रहे हो आप और कहाँ जाना है कल हम रेलवे स्टेशन जाएंगे देखेंगे वहां पे क्या कपड़े पसंद आएंगे बकवास कर रहे हैं तो बस ये कहना था तो कि बस स्टैंड से अगर कपड़े मिल गए तो बता देंगे हम आपको गाइस कम बहुत पड़ रहे हैं बट मतलब लास्ट के 3 दिन के तो कपड़े बचे ही नहीं है गाइस और नाइट के जो है ना नाइट के तो दो ही जोड़ी है ना तीन चार दिन के हिसाब से अगर 3 दिन भी जाएंगे यार अगर मैंने दिन के दो जोड़ी कपड़े लिए तो कौन सा ज्यादा लिए हैं मैं पहले मैंने 3 सोचा था इन दोनों ने मिलके दो दो करा दिए हमेशा नुकसान करवाते हैं मेरा हमेशा और फिर गाइस चप्पल तो 3 वो अलग अलग हुई नहीं डेली की चप्पल तो दो ही हुई ना फिर स्पेस ज्यादा अलग से एक बैग लेना पड़ेगा ना चप्पल के लिए तो ये तो गाइस ये जो बालों का कलर है ये भी चेंज होना चाहिए ये तो दिन के हिसाब से नहीं ये 7 दिन के हिसाब से 7 अलग अलग कलर करवाए इसलिए ये एक रेड एक दिन के लिए व्हाइट एक दिन के लिए ब्लैक एक दिन के लिए ऑरेंज सारे रेनबो कलर करवाए पपाया कलर भी है गाइज ये दोनों तो ऐसे बकवास करते रहेंगे ऐसा करते हैं ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन रहेगी घूमने वाली वहाँ पे और आप सब लोग गेस करके बताना कि कौन सी लोकेशन रहेगी प्लीज़ कमेंट करके बताना और जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे मेरी लोकेशन पे यानी कि जो मेरी लोकेशन रहेगी जहाँ पे मैं जा रही हूँ उसके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर वो कुछ भी हो सकता है मतलब मैं चेक करूँगी कि किसका राइट आंसर रहेगा तो उसके लिए गिफ्ट हैम्पर तो बनता है ना इतना बंदा दिमाग लगाएगा सोचेगा है ना तो प्लीज कमेंट नहीं इसे बाई लक बोलते हैं हाँ मतलब जो और भी है जिसको गिफ्ट हैम्पर चाहिए वो मेरे को मैसेज कर देना मैं उसको राइट लोकेशन बता दूंगा तो गाइस मेरा भी बर्थडे है 25 तारीख का भाई को सारे विश कर देना 25 अप्रैल 26 को मेरी एनिवर्सरी मुझे भी सारे विश कर देना भूलना बिल्कुल नहीं है तो बस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सुबह आएगा और गाइस व्लॉग आएगा 9 बजे ठीक है गाइस ध्यान रखना गाइस सारे लाइक कर देना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लेना यार बाय बाय